दोस्तों, ई गार्डन इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट टू। पार्ट वन हमने इससे पहले अपलोड किया था और ये उसका पार्ट टू है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन विथ कंटिन्यूअस डैश। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इफर्ट्स, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी गेस्चर, ऑप्शन डी मूवमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फीडबैक। क्वेश्चन नंबर टू, कम्युनिकेशन कैन अकर्स इन आइसोलेशंस, ट्रू और फॉल्स। इसका सही आंसर है बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अमंगस्ट द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फिजिकल नॉइज, फिजियोलॉजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और फिजिकली चैलेंज्ड। सही आंसर है ऑप्शन डी फिजिकली चैलेंज्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं। ए वर्बल कम्युनिकेशन, बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। इसका सही आंसर है सी बोथ ए एंड बी, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, सही या गलत। आंसर है ऑप्शन ए सही ट्रू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज जर्गन, इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द इंडिविजुअल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल टर्म्स, नेम ऑफ द कंट्री। जर्गन क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी टेक्निकल टर्म। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डज हैप्टिक्स रेफर्स टू, कम्युनिकेशन थ्रू टच, कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स और कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कम्युनिकेशन थ्रू टच। क्वेश्चन नंबर एट, येलो एंड ग्रीन आर एसोसिएटेड विथ नेगेटिव फीलिंग्स, ट्रू और फॉल्स। सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन, ए टू वे फेस टू फेस, बी मल्टीपल बट नॉट फेस टू फेस, सी टू वे नन फेस टू फेस और डी वन वे नन फेस टू फेस। सही आंसर है ऑप्शन बी मल्टीपल बट नॉट फेस टू फेस। क्वेश्चन नंबर टेन, कम्युनिकेशन बिटवीन पी टू एसेंशियल्स फॉर डैश कोऑर्डिनेशन, ए फंक्शनल, बी ऑर्गेनाइजेशनल, सी मैनेजरियल और डी स्टैटिस्टिकल। सही आंसर है ऑप्शन ए फंक्शनल। क्वेश्चन
नंबर 11, शेयर होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल स्टेक होल्डर्स सिंस दे आर द डैश ऑफ द कंपनी. मैनेजर्स, ओनर्स, डायरेक्टर्स, यूनियन मेंबर्स. आंसर है ऑप्शन बी, ओनर्स. क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स कैन बी डन थ्रू मीटिंग्स, लेटर्स एंड और एडवर्टाइजमेंट्स. ट्रू और फॉल्स? सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. ए अपवर्ड कम्युनिकेशन, बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन और डी ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 14, डैश कम्युनिकेशन मे बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, नन ऑफ अबव. सही आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्ड कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 15, एन एडवांटेज ऑफ रेगुलर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज डैश. चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके. ए इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, बी इट गिव्स प्रमोशन टू एम्प्लॉयज, इट क्रिएट्स क्लाइमेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डी इट रिड्यूस गैप्स. कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट क्रिएट्स क्लाइमेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. क्वेश्चन नंबर 16, हियरिंग एंड लिसनिंग इज सेम. ट्रू और फॉल्स? सही आंसर ऑप्शन बी, फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 17, द डैश इज ऑफन इंटरप्रेट्स एज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन. इसके ऑप्शंस हैं ए नॉइज, बी साइलेंस, सी वाइनिंग, डी डिस्टरबेंस. 17 का सही आंसर है बी, साइलेंस. क्वेश्चन नंबर 18, क्लोज क्वेश्चन में बिगिंस विथ. ऑप्शंस है व्हाट, व्हाई, आर, वेयर. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ए ओपन इंडेड क्वेश्चंस, बी क्लोज इंडेड क्वेश्चंस, सी बोथ और डी नन. सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ. ओपन इंडेड क्वेश्चंस, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइल ए डैश इज यूज्ड टू सेपरेट टू वर्ड्स, डैश इज यूज्ड टू यूनाइट देम. ऑप्शंस है ए कोमा, बी एक्सक्लेमेशन, सी हाइफ़न्स और डी सेमीकोलन. कौन सा यूनाइट के लिए यूज किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइफन. क्वेश्चन नंबर 21, ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट डैश फॉर एनी कंपनीज प्रोडक्ट. ए एडवर्टाइजमेंट, बी मैसेज, सी प्रोपागेंडा, डी अपॉर्चुनिटी. सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्टाइजमेंट. क्वेश्चन नंबर 22, राइटिंग मेथोडोलॉजी कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस. इसके चार ऑप्शंस हैं ए वन, बी टू,
C3D4। राइट आंसर है ऑप्शन C3। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्पीच? ए नाउन, बी टेंस, सी वर्ब, डी एडवर्ब। राइट आंसर है ऑप्शन बी टेंस। क्वेश्चन नंबर 24। इट इज बेटर टू यूज द वर्ड इंटेरोगेट रेदर देन आस्क, ट्रू और फॉल्स। राइट ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25। यूजिंग द पैसिव वॉइस इज ए टेक्निक ऑफ डैश। ए एम्फेसाइज, बी ऑर्डिनेशन, सी सबऑर्डिनेशन, डी ग्रामर। राइट ऑप्शन है सी सबऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26। रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय, इसके चार ऑप्शंस हैं, ए हैंडराइटिंग, बी लेंथ ऑफ वर्ड सेंटेंस, सी क्वालिटी ऑफ पेज, डी अदर फैक्टर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी लेंथ ऑफ वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 27। डैश इज यूज टू सेपरेट क्लाउजेज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे हैव ए कोमा। ए कोलन, बी सेमी कोलन, सी पेरेंथेसिस, डी हाइफन। राइट आंसर है ऑप्शन बी सेमी कोलन। क्वेश्चन नंबर 28। टेलीफोन कम्युनिकेशन हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक्स, ट्रू और फॉल्स। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29। वेयर विल यू इलेबोरेट द मेन पॉइंट्स इन ए प्रेजेंटेशन? इसके चार ऑप्शंस हैं, ए इंट्रोडक्शन, बी बॉडी, सी कंक्लूजन, डी आउटलाइन। इसके सही ऑप्शंस हैं बी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 30। डैश आर क्लियर शीट यूज्ड विथ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। ए ट्रांसपेरेंसीज, बी फ्लिप चार्ट, सी पावर पॉइंट, डी हैंडआउट्स। राइट ऑप्शन है ए ट्रांसपेरेंसीज। क्वेश्चन नंबर 31। मीनिंगफुल रीडिंग और रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इज कंसिडर्ड एज, इसके चार ऑप्शंस हैं, ए एन एक्टिव प्रोसेस, बी ए पॉजिटिव स्ट्रेटेजी, सी ए पॉजिटिव प्रोसेस, डी एन एक्टिव स्ट्रेटेजी। इसके राइट ऑप्शन है ए एन एक्टिव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 32। रीडिंग इज ए स्किल विच हैज टू बी एक्वायर्ड थ्रू कॉन्स्टेंट डैश। ए प्रैक्टिसाइजिंग, बी एक्सपेरिमेंटिंग, सी लिसनिंग, डी राइटिंग। सही ऑप्शन है बी एक्सपेरिमेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज लुकिंग ओवर ए टेक्स्ट बुक क्विकली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल और सुपरफिशियल आइडिया और द कंटेंट? ए स्कैनिंग, बी एक्सटेंसिव रीडिंग, सी स्कीमिंग, डी इंटेंसिव रीडिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी स्कीमिंग। क्वेश्चन नंबर 34। वाइल रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट जस्ट फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स और आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रू और फॉल्स।
राइट ऑप्शन है ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35, बिजनेस लेटर्स आर यूज्ड प्राइमरीली टू कम्युनिकेट विद दैस ए एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर्स, बी इंटरनल स्टॉक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स, सी कस्टमर्स डी एजेंट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इन्फॉर्म द बायर और कस्टमर अबाउट द एक्शन दैट हैज बीन टेकन, ए क्लेम लेटर्स, बी एडजस्टमेंट लेटर, सी गुडविल लेटर्स, डी परसुएसिव लेटर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी एडजस्टमेंट लेटर। क्वेश्चन नंबर 37, द डैश ऑफ द प्रेस रिलीज मस्ट इलेबोरेट ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ए इंट्रोडक्शन, बी कंक्लूजन, सी आउटलाइन, डी बॉडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट इज मोर ए पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी देन ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, ट्रू और फॉल्स। सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39, बिजनेस रिपोर्ट मस्ट यूज डैश नाउंस, ए कंक्रीट, बी एब्स्ट्रैक्ट, सी प्रॉपर, डी कॉमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रिपोर्ट, ए पीरियोडिक रिपोर्ट्स, बी मिनट्स, सी प्रपोजल्स, डी सिचुएशनल रिपोर्ट्स। राइट ऑप्शन बी मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 41, द जनरल डैश ऑफ ए रिज्यूम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ए स्टेटमेंट, बी लेंथ, सी अपीयरेंस, डी फॉर्मेट। राइट ऑप्शन सी अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 42, कवर लेटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू पर्सनलाइज योर क्वालिफिकेशंस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, ट्रू और फॉल्स। राइट ऑप्शन ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 43, डैश इंक्लूड्स द बैकग्राउंड एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी, ए बॉडी, बी इंट्रोडक्शन, सी कंक्लूजन, डी स्टेटमेंट। राइट ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड टू गवर्नमेंट स्टेटिंग दैट द कंपनी इज फॉलोइंग द एनवायरमेंट रेगुलेशंस, ए कंप्लायंस रिपोर्ट, बी रूटीन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, सी सिचुएशनल रिपोर्ट्स, डी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। राइट ऑप्शन ए कंप्लायंस रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज डन प्योरली टू कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशंस नेम एंड लोगो टू पब्लिक और कंज्यूमर्स, ए इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, बी एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, सी कॉरपोरेट आइडेंटिफाई एडवर्टाइजिंग, डी पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग। राइट ऑप्शन सी कॉरपोरेट आइडेंटिफाई एडवर्टाइजिंग।
क्वेश्चन नंबर 46, द फोरम वेयर पीपल सीट टुगेदर एंड डिस्कस ए टॉपिक विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश, ए इंटरव्यू, डी ड्रामा, सी प्ले, डी ग्रुप डिस्कशन। राइट ऑप्शन डी, ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मेमो फॉर्मेट, ए इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, बी इंक्रीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डी डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, सी डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, डी डिक्रीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। राइट ऑप्शन सी, डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग्स में टेक प्लेस अमंग कोवर्कर्स और मे ऑल्सो इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट, ट्रू और फॉल्स। राइट ऑप्शन ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49, द आइटम्स टू बी डिस्कस्ड आर लिस्टेड इन द डैश ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द एजेंडा, ए असेंडिंग, बी अल्फाबेटिकल, सी डिसेंडिंग, डी क्रोनोलॉजिकल। राइट ऑप्शन सी डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश इनेबल्स टू पार्टीज इन डिफरेंट लोकेशंस टू सी एंड स्पीक टू ईच अदर, ए टेलीफोन, बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सी मैसेंजर चैट, डी टेलीविजन। राइट ऑप्शन बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो पोस्ट योर कमेंट।